हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम द लर्निंग हैज नो बाउंड्रीज एंड एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी कैन लर्न विंसम मिल मेक श्योर कि आपके पास बेहतरीन कंटेंट पहुँचे टाइम पे सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास सिक्स का मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ठीक है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अब वाई डू वी स्टडी स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू मोशन राइट सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट ऑफ मोशन स्टैंडर्ड फॉर्म्स देन हाउ डू वी मेजर इन नॉन स्टैंडर्ड हाउ डू वी मेजर इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड लास्ट में टाइप्स ऑफ मोशन पर आज के टॉपिक आज की इस क्लास में हम सिर्फ मोशन को डिस्कस करेंगे एंड स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करेंगे एंड नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे सो विदाउट डिलेइंग फर्दर आई स्टार्ट माय क्लास हियर। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं मोशन की बात करते हैं व्हाट इज मोशन है क्या मोशन यू आर स्टैंडिंग एट वन पॉइंट आप एक पॉइंट पे खड़े हैं इस पॉइंट से आप इधर गए सो so, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे अगर एक ऑब्जेक्ट जाती है उसे मोशन कहता है चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर वन पॉइंट टू अनादर इज कॉल्ड मोशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट से इफ आई कॉल इट ए एंड द अनादन इज बी तो मैं अगर ए से बी तक चल के गई हूं उसे मैं मोशन कहूँगी अब इससे ट्रांसपोर्ट क्यों पड़ना पड़ रहा है हमें क्योंकि मोशन आप करेंगे कैसे शॉर्ट डिस्टेंस मोशन तो हम लोग बाईफ कर सकते हैं बट फॉर द लॉन्गर वंस हमें चाहिए होता है Modes of transport, vehicles, cycles, or other means by which hum, distance cover kar chake. So the first thing which we'll be talking here are story of transportation. हाउ डज द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट नाउ अगर आपको कहीं जाना हो आप स्कूल आते हैं कोई एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हैं आप किसी से मिलने जाते हैं यू यूज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस डिस्टेंस इज कि उसमें कितनी दूरी है दूरी पे बेस्ड आप अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करते हैं राइट right? अब शुरू में जब आप ओल्ड टाइम वेरी एंशंट टाइम्स की अगर आप बात करें उस टाइम लोगों के पास दीज काइंडिकल्स वे नॉट देर

इन सर्च ऑफ फूड इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड अदर थिंग्स ठीक है तो मोशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बट टू कवर दिस्टेंसेज आप क्या करोगे तो पुराने टाइम में लोग क्या करते थे वो पैर से चल के जाते थे दे यूज टू वॉक पर वो तो छोटे डिस्टेंस के लिए तो ठीक है अब मैं आपको बोलूँ की यू हैव टू गो टू यानीज हाउस और यूर यू हैव टू गो टू योर मासीज हाउस एंड इफ इट इट्स इन इन समिफरेंट सिटी वुड यू बी एबल टू वॉक क्या चल के जा पाओगे आप आई थिंक नहीं जा पाओगे आई थिंक क्या श्योर की नहीं जा पाओगे क्योंकि इतना दूर का डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको आपको व्हीकल की जरूरत होगी पर पुराने टाइम में दे डिट हैल दीज थिंग्स तो वो चल के ही जाते थे अच्छा उनको कुछ कैरी करना होता था कोई भी सामान लाना होता था दे इज टू कैरी ऑन देअर बैग्स फिर धीरे धीरे बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींगस दे आर लिविंग बींग्स तो उनकी कुछ कंस्ट्रेन होती है वो थकेंगे दे हैव फुटीक दे गेट टायर्ड तो उनको ऐसा कुछ उनको सोचना पड़ा कि दिस इज नॉट अ वे हमें कुछ सोचना पड़ेगा जिसमें हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े और हम ज्यादा ना थकें तो उन्होंने सोचा सोचा क्या किया जाए तो उनको दे सो एनिमल्स अराउंड देम उनको लगा कि वट इफ वी यूज एनिमल्स ऐसा करें कि हम एनिमल्स पर यूज करें उन पे चढ़ के हम जाए दैट वे हमारे पैर नहीं थकेंगे तो नेक्स्ट थिंग जो ह्यूमंस ने सोची उन्होंने एनिमल्स का इस्तेमाल करने का सोचा दे स्टार्टेड मूविंग ऑन द बैक्स ऑफ हॉर्से कैमल्स एलिफेंट्स इन सब पे बैठ के जाने लगे ठीक है बट एलिफेंट्स और कैमल्स ये भी थकते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स तो अब नेक्स्ट क्या किया जाए और इस पे कैन यू सी कैन यू Tell me कि एक एलिफेंट पे कितने लोग बैठ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा एक बैठ जाएगा दो बैठ जाएंगे, जादा से जादा, तीन बैठ जाएंगे। तो अगर आप बहुत सारे लोगों को कहीं जाना होता है और बहुत जल्दी जाना होता है तो कैमल्स कांट हेल्प द एलिफेंट्स कांट हेल्प दे है नीड फूड उनको रखना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है तो फिर लोगों ने राउंड स्टोन रोलिंग उनको लगा कि बिकॉज वो स्टोन राउंड था गोल था तो वो रोल कर रहे और वो अपने आप नीचे जा रहा था तो वन ऑफ द मैन हेड एंड आइडिया की कुछ ऐसा बनाया जाए जो शेप में गोल हो तो वो तो अपने आप चलेगा वो सारी मूवमेंट को ईजी कर देगा तो फिर विद एंड माइंड पील का इन्वेंशन हुआ तो यहां तक पहुंचने में ह्यूमन बींग को बहुत टाइम लगा विद इन्वेंशन ऑफ व्हील्स बेसिकली, दैट वॉज अ मेजर रेवोल्यूशन क्यों क्योंकि उसके बाद लोगों को लगा कि इस टायर को कुछ यूज करके कुछ और ऐसी चीजें बनाई जा सकती है जिस पे हम और ज्यादा लोग जा सके एक टाइम पे ठीक है तब तो उन्होंने बनाई साइकिल्स फिर धीरे धीरे मोटर बाइक्स आए ट्रेन आई फिर लगा लोगों को कि ट्रेन्स के नीडेड ट्रेन्स उनको लगा कि यार एक टाइम पे दो लोग गए चार लोग अगर मास को हमें जाना है एक जगह से दूसरी जगह उनको कैसे लेके जाया जाए तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें व्हील्स तो दे हैव ऑलरेडी इन्वेंटेड जो बहुत सारे लोगों को ले जा सके तब इन देयर माइंड तब उन्होंने ट्रेन का इन्वेंशन किया रेवल्यूशनरी स्टेप इन स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज दे एंड थिंग्स, ऑल्सो दे कैन कैरी हंड्रेड ऑफ पीपल एट वन टाइम विच वॉज वेरी विच मेड लिविंग वेरी इकोनॉमिक बहुत इकोनॉमिक पड़ता था लोगों के लिए और बहुत ईजी पड़ता था बिकॉज हजार सौ करीब लोग एक साथ ट्रेवल कर पाते हैं तो वो उनके लिए सस्ता पड़ता था और बहुत अच्छा इन्वेंशन था फिर लोगों को फिर से लगा कि ट्रेन में तो बड़ा टाइम लग रहा है और अगर हमें कोई नदी को पार करके जाना हो या कोई ओशन को क्रॉस करके कहीं जाना हो तो फिर कैसे जाया जाए तो देन ships, ठीक है इनिशियल जो शिप्स थी इनिशियल शिप्स थी वो उन्होंने बेंबूज को जोड़ के बनाई थी इस तरह से दे जॉइंट सम बेंबू और इस तरह से उन्होंने एक बोट बना दी बिकॉज बेम्बूज आर होलो फ्रॉम इन वो अंदर से खोखले होते तो वो तैरते थे बट उन दैट नॉट अ वेरी गुड डिजाइन तो धीरे धीरे ह्यूमन्स ने ऑब्जर्व uh, किया कि जो सी में और वॉटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी क्या शेप है तो उन्होंने देखा द मोस्ट ऑफ द शिप फिश एंड ऑल आर स्ट्रीम लाइन शेप्स तो उन्होंने जो नेक्स्ट बोट बनाई वो उन्होंने स्ट्रीम लाइन शेप की बनाई क्यों? क्योंकि वो पानी को चीर के बीच में से निकल जाएगी दैट शेप इज फॉर कटिंग द फ्लोइंग थ्रू द वॉटर इसलिए दे इन्वेंटेड द स्ट्रीम लाइन शेप फिर उसके बाद आए वर इन्वेंटेड बाय नाइनटीन हंड्रेड सेंचुरी बाय द राइट ब्रदर्स क्यों? क्योंकि सम पीपल नाउ दे कैन ट्रेवल आउटसाइड दे कैन ट्रेवल इन वॉटर दे कैन ट्रेवल इन लैंड ऑल अवेलेबल सब कुछ अवेलेबल था अब उनको था कि हमें तो जल्दी जाना है तो फिर आए हमारे एरोप्लेन तो एरोप्लेन आए राइट ब्रदर्स ने बनाए बहुत सारे फेल एक्सपेरिमेंट हुए इन्वेंशन हुई बट फाइनली द राइट डिजाइन एंड राइट फॉर्म ऑफ एरोप्लेन्स व डिजाइंड बाय द राइट ब्रदर्स ठीक है उसके बाद यू कैन सी नाउ यू कैन सी लॉर्ड ऑफ व्हीकल्स लॉर्ड ऑफ कार्स द इलेक्ट्रिक कार्स आर देयर फिर आर देर पोशाइज सो मेनी फास्ट रनिंग कार्स आर देर बहुत कुछ देखते हो अभी तो आप इतना कुछ इन्वेंशन हो गया एवरी डे यू आर सी न्यू इन द मार्केट बट वट वॉज द इनिशियल स्टेप पहले था पैदल चलना उसके बाद एनिमल को यूज करना फिर आया व्हील व्हील के बाद आया इंजन ट्रेन उसके बाद बोट्स आई शिप्स आई एंड एयरप्लेन एंड नाउ एवरी डे पीपल आर इन्वेंटिंग समथिंग न्यू और अदर ठीक है दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ transportation. okay, why have we studied story of transportation? because we are talking about motion and distances. motion is moving from one place to another and distances. Is when you'll be moving, you'll be covering some gap. you'll be covering some distance. so, o's distance co, if it is more up, co transportation, that is why we studied this story of transportation. now, you could see some pictures here. there are bullock well, the carts there are camel carts all these were oh, the modes of transport which people used in old times you can ask your grandma or your great grandma they might have seen these kind of उन्होंने ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जरूर देखे होंगे आप अपनी दादी से परदादी से पूछेंगे तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे उन उस टाइम में दीज वर वेरी यूजफुल उनको लगता था यही बहुत जरूरी है बिकॉज पहले ये भी नहीं था नाउ वी हैव डन द ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग अब हमें क्या करना था कि डिस्टेंस हमने जो ट्रेवल किया है उसको मेजर कैसे किया जाए ठीक है आपने कोई डिस्टेंस कवर कर लिया आप यहाँ से स्कूल अपने घर से स्कूल आए या स्कूल से घर गए या घर से शौ, पिज़्ज़ा शॉप पे गए या कहीं भी रेस्टोरेंट गए एनीवेयर गए, यू वेंट तो कितना चलना पड़ा कितनी दूर तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया करा राइट वो पता करना था डिस्टेंस मेजर करने का मतलब क्या होता है एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया आपने बिगनिंग का दिस इज माय स्टार्टिंग हाउस इज योर स्टार्टिंग योर स्कूल टू द एंडिंग पॉइंट इज डिस्टेंस हाउ डू वी मेजर इट इफ इट इज क्लोज इट विथ टू क्लोज यू कैन मेजर इट इन मीटर इफ इट फार यू कैन मेजर एट इन किलोमीटर राइट तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो गैप है दिस गैप कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है यहां से यहां के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं डिस्टेंस अब इसको मेजर कैसे करते हैं अगर मैं यहां की बात इफ आई शो माई डायरी मुझे इसे मेजर करना है तो आई कैन यूज दिस पेन एंडल से दिस इज वन एंड वन बाई फोर Pen 1 1 by 4 long. 1 1 by 4 pen long. So this for me, this I'll say ki this is this is the length of this. I measured the distance. But is this a standard thing? I may change it next time. And this time it is one and a half. And you may be using a pen which is even shorter. Right? But there were no such means available with people. So people were using non-standard form.

तो तब क्या वो मेजरमेंट सेम ही रहेगा आपका जो टेबल था सपोज इफ इट इज फाइव वाइड ठीक है एंड इफ यू ग्रो अप लेटर तो वो तो ऐसा नहीं कि आपका हाथ सेम ही है टेबल में सेम टेबल तो उतना ही रहा पर आपका हाथ बड़ा हो गया तो अब उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी तो ये कुछ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स थे पहले आया नॉन स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ मेजरिंग लेंथ तो सबसे पहले हम ले लेते हैं Handspan ले लेते हैं स्ट्रिंग्स दीज आर फ्यू नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ मेजरिंग लेंथ अगर मैं आपको बोलूं कि आपके रूम की लेंथ नापो तो आप क्या करोगे आप फुटस्टेप्स काउंट कर लोगे कि इतने फुटस्टेप लॉन्ग मेरा है बट क्या सबके फुटस्टेप सेम रहते हैं सबके फुटस्टेप चेंज होते रहते हैं लॉन्गर राइट तो, right? तो आप फुटस्टेप्स वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है हैंड्स भी लेते हो तब भी सही नहीं है फोर आर्म से अगर आप मेजर करते हो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट राइट तो कुछ आया कि कुछ स्टैंडर्ड ढूंढा जाए ठीक है कि कुछ ऐसा कि कुछ स्टैंडर्ड बना दिए जिसके रेफरेंस से बाकी चीजों का मेजर कर सके हम राइट right? कि कोई एक स्टैंडर्ड हमने निकाला जाए जैसे आपकी मम्मा इफ शी यू यू गिव कि जाओ दूध ले आओ तो आंटी विल गिव यू इन सम ग्लास तो उस ग्लास का तो देर इज नो मेजरमेंट ना कि वो कितने लीटर के कितने तो इज अ कंटेनर कम्स ऑन विच इट इज रिटर्न वन लीटर ठीक है तो फिर आए स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ऑफ मेजरमेंट फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आए तो स्टैंडर्ड एक पूरा एक सोसाइटी बनाया गया फ्रांस में जहां पे कुछ साइंटिस्ट ने एक स्टिक लिया कि दिस स्टिक आई एम टेकिंग एंड दिस लेंथ ऑफ दिस स्टिक विल बी वन मीटर और जो भी स्टिक्स इस स्टिक के बराबर की होंगी वो सब वन मीटर की होंगी ठीक है तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया देन दे थॉट कि चलो हंड्रेड स्टिक्स अगर हम एक साथ करेंगे तो दैट थिंग विल बी इक्वल टू वन किलोमीटर ठीक है तो ये मैट्रिक सिस्टम आया जिसमें एक स्टैंडर्ड लेंथ uh, ले लिया गया और उस लेंथ के रेफरेंस से बाकी के डिस्टेंसेस का सेट किया गया एंड दिस वाज एक्सेप्टेबल थ्रू थ्रू आउट ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ये सब जगह एक्सेप्टेबल है आप इंडिया में भी देखोगे तो मीटर इज हंड्रेड सेंटीमीटर लॉन्ग आप मार्स पे भी जाके बोलोगे तो जो आपका मीटर है वो हंड्रेड सेंटीमीटर लॉन्ग ही रहेगा ठीक है एंड थाउजेंड मीटर विल मेक अ किलोमीटर दैट इज फिक्स वेर एवर यू गो वट एवर इट है मेजर कैसे करोगे ठीक है देन हाउ डू मेजर सो इफ आई एम मेजरिंग समथिंग इफ आई डोंट पुट बाई स्केल प्रोपरली द मेजर वॉन्ट बी राइट and if i have to measure this curved line how do i measure this curved line so i'll take a string i'll put my string exactly on this line right then i'll arrange that on my scale and i'll measure the length of the string and that is how i'll find the measure of the curved line ठीक है एंड यू यू हैव टू मेक श्योर दैट योर स्केल इज स्टडी एंड केप्ट इन अ स्ट्रेट फॉर्म अगर इसको भी आप टेढ़ा मेढ़ा रखोगे तो फिर से आपका मेजरमेंट रॉन्ग हो जाएगा राइट right? फिर आती हैं यूनिट्स यूनिट्स क्या होती हैं स्पेशल डेफिनेशंस गिवन जैसे मैंने आपको बोला कि जाओ एक दूध ले आओ वट इट इज एक लीटर एक किलोमीटर या क्या सो यूनिट्स आर स्पेशल इट वॉज गिविन टू यू के सी वन एक्टिविटी यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ योर टेबल उसपे कैसे मेजर करेंगे टेक अ स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग से देखेंगे कि आपका टेबल कितना लंबा है दिस एक्टिविटी यू कैन डू इट योर होम ऑल्सो एंड यू कैन डू इट विद योर फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये कर सकते हो एक धागा ले लो और उस धागे से आप मेजर करोगे की आपका टेबल कितना लंबा है सो वॉट डज मेजरमेंट मीन एक् एज पर डेफिनेशन मेजरमेंट ऑफ अ नॉन अद अग जैसे मैं एक मे को मुझे पता है कि मेरा स्केल फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग है तो दिस इज अंटिटी टू मी एंड नाउ यूजिंग दिस नोन क्वांटिटी इफ आई बी मेजरिंग दिस होल स्क्रीन मैं इस नोन क्वांटिटी को कंपेयर करके इसे स्क्रीन uh, को मेजर करती हूँ तो उसे ही मेजरमेंट कहा जाता है एक चीज ऐसी ले लूंगी जिसका मुझे पता है कि ये इतनी लंबी है उस उस नोन चीज को लेके मैं किसी ऐसी चीज को मेजरमेंट करती हूँ जिसका मुझे नहीं पता लेंथ और विथ कितनी है तो वही होता है मेजरमेंट कंपेरिंग ऑफ मेजरिंग कंपेयरिंग ऑफ नोन थिंग विदनोन थिंग और उसे किस फॉर्म में करते हैं वो जो फिक्स क्वान्टिटी होती है उसे यूनिट कहते हैं फॉर कपेसिटीज वी यूज लीटर्स मिली लीटर्स फॉर लेंथ वी हैव सेंटीमीटर्स मीटर्स मिलीमीटर्स फॉर वेट वी हैव केजीज ग्राम्स मिलीग्राम्स राइट so uh, for today that is uh, this is what we'll be discussing and in tomorrow's class we'll be talking more about the motion and the types of motion and we'll also be doing the exercises which are given in your textbook so if you have any questions you can put it in the comments thank you have a great day